यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान और आप देख रहे हैं गंगा आरती लाइव। जी हां, गंगा पूरे ही देश के लिए आस्था का केंद्र है। आस्था की डुबकी लगाने के लिए बहुत सारे लोग वहां पर पहुंचते हैं और करीब करीब पूरे ही देश से लोग जो है गंगा आरती के लिए भी वहां पर पहुंचते हैं। तो गंगा घाट सीधे आपको लिए चलेंगे, जहां मेरे सहयोगी अमनदीप ठाकुर हमारे साथ सीधे जुड़े हैं। अमनदीप, फिलहाल क्या तस्वीर देख पा रहे हैं आप? अजी ज्योति, जिस तरह से आपने कहा कि आज गंगा आरती है, तो आपको ये बता दूं कि आज 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक जो इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल 2018 का आयोजन किया गया था, एक तरफ से देखा जाए तो ये सफल आयोजन रहा है। आज आखिरी दिन है, 7 मार्च है आज, और आज का दिन काफी बड़ा रहने वाला है क्योंकि आज खासतौर से जो यहाँ पर हैं योग गुरु के नाम से विश्व विख्यात जो हैं बाबा रामदेव, वो पहुंचे हैं खासतौर से, और साथ ही बॉलीवुड के जाने माने जो गायक हैं, पार्श्व गायक हैं और अपनी सूफी आवाज के लिए जाने जाते हैं कैलाश खेर, वो भी खासतौर से आज यहाँ पहुंचे हैं, गंगा आरती का हिस्सा बनेंगे और उसके बाद कैलाश खेर की यहाँ पर प्रस्तुति भी रहेगी। जो यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, आपको बता दें कि 94 देशों के लोग जिस तरह से आपको पहले भी बताया है कि पहुंचे रहे हैं, पहुंचे हुए हैं यहाँ पर इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल 2018 का हिस्सा बनने के लिए। और आज 7 मार्च है, बीते कल का भी जो माहौल था वो देखने वाला था, और आज भी अमूमन इस समय भीड़ कुछ कम होती है, लेकिन आज आखिरी दिन है और आज बड़े चेहरे यहाँ पहुंचे हैं। योग गुरु बाबा रामदेव यहाँ पहुंचे हैं, स्वामी चिदानंद सरस्वती जी खुद यहाँ मौजूद हैं, परमार्थ निकेतन के जो संचालक हैं, उसके बाद पार्श्व गायक हमने बताया आपको जिस तरह से बॉलीवुड के प्लेबैक सिंगर जो हैं वो यहाँ पहुंचे हैं कैलाश खेर। तो आज लोग जो हैं वो ज्यादा उमड़ रहे हैं, और तो और जो ऋषिकेश में लोग वैसे घूमने के लिए आते हैं, जिनको पता लग रहा है कि आज ये बड़े चेहरे आज यहाँ पहुंचे हैं परमार्थ निकेतन में, वो भी आज परमार्थ निकेतन का रुख कर रहे हैं। मैं आप तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा जहाँ सामने बाबा रामदेव बैठे हैं, साथ में स्वामी चिदानंद सरस्वती जी बैठे हैं और उनके साथ ही पार्श्व गायक जो हैं बॉलीवुड के जाने माने सिंगर हैं, प्लेबैक सिंगर हैं, वो भी वहीं साथ में विराजमान हैं। आप देख सकते हैं अभी से भीड़ लगनी शुरू हो गई है और आपको अलग अलग देशों के झंडे भी ज्योति मैं दिखाना चाहूंगा। इसके बाद पहले आप ये देखिए जो बैठे हैं गणमान्य जो यहाँ पर बैठे हैं मौजूद हैं, बाबा रामदेव आप देख सकते हैं, स्वामी चिदानंद के बाइनी और बाबा रामदेव बैठे हैं और उनके दाई और जो बैठे हैं वो कैलाश खेर हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं आज का जो ये भव्य नजारा है, शायद ही फिर दोबारा कभी देखने को मिले गंगा घाट के किनारे से, जब योग यहाँ पर योग के इतने चेहरे इकट्ठे यहाँ पर देखने को मिले हों, शायद फिर से इस साल तो ये दृश्य दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। अब मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो उन देशों के झंडों की तरफ नजर एक बार कैमरा घुमाए जो देश इस इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल का हिस्सा बनने के लिए खासतौर से यहाँ मौजूद थे। आप देख सकते हैं लोग यहाँ बैठे हैं, विदेशी जो मेहमान हैं वो बैठे हैं और साथ में अपने देश का झंडा लिए बैठे हैं। आपको बता दें कि 94 देशों के जो थे यहाँ पर अम्बेसडर, योग अम्बेसडर जो थे वो आए हुए थे, और यही तस्वीरें जो है आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अलग अलग देशों के झंडे पकड़े हैं, यूनाइटेड स्टेट्स की बात हो, यूक्रेन की बात हो, टर्की की बात हो, इंग्लैंड की बात हो, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, स्पेन, साउथ अफ्रीका, सिंगापुर, मंगोलिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, 94 देश हैं जो थे, गिनती नहीं हम कर सकते हैं, सिर्फ हम आपको तस्वीरें दिखा सकते हैं। सबके हाथ में अपने देश का झंडा है, अपने झंडे को लेकर के बैठे हैं, और आपको बता दें कि ये योगा एक वो मंच देता है सभी को, सभी धर्मों को, जहां पर सभी धर्म आकर के एक हो जाते हैं, एक अपनेपन का एक प्रतीक बनता जा रहा है योगा। और वाकई में योगा जो है वो भारत की एक ऐसी संस्कृति है, भारत की एक ऐसी पहचान है जो अब फिर से भारत को विश्व गुरु की ओर अग्रसर करने की ओर एक अहम भूमिका अदा कर रही है। ज्योति जी, साथ ही एक साध्वी को भी हम सुन पा रहे हैं, अमनदीप, क्या योग को लेकर या फिर गंगा को लेकर उनकी ओर से संबोधित किया जा रहा है उपस्थित लोगों को? जी बिल्कुल, अभी जिस तरह से स्वामी रामदेव जी आए हैं यहाँ पर, तो उनको अभी सम्मानित किया जा रहा है, और गंगा को लेकर भी यहाँ पर काफी अध्यात्म से जुड़ी बातें होती रही हैं, योग को लेकर काफी बातें हुई हैं, एक हफ्ता पूरा चल रहा था, और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से अभी सम्मानित किया जा रहा है, कैलाश खेर को सम्मानित किया है स्वामी चिदानंद सरस्वती जी ने, और स्वामी रामदेव बाबा रामदेव ने स्वामी चिदानंद जी को अपना ही शॉल देकर उनको सम्मानित किया। अभी यहाँ सम्मान जो है वो दिया जा रहा है क्योंकि आज बड़े चेहरे यहाँ पहुंचे हैं, गणमान्य लोग यहां पहुंचे हैं, तो ऐसे में ये एक जो परंपरा है भारत की हमेशा से चलती आई है, सम्मान
देने की, सम्मानित करने की, वो अभी होती यहाँ पर नजर आ रही है। स्वामी रामदेव जी तस्वीर में आप देख सकते हैं, कैलाश खेर यहाँ पर हैं और साथ ही स्वामी चिदानंद सरस्वती जी यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि उनके साथ ही एक विदेशी जो आध्यात्म गुरु हैं वो वहाँ मौजूद हैं, कैलाश खेर के बिल्कुल साथ में खड़े हैं और उनके साथ में दलाई लामा के प्रतिनिधि हैं, जो क्योंकि हमने बताया था आपको बीते कल भी दलाई लामा की सेहत ठीक न होने की वजह से वो खुद यहाँ नहीं आ पाए हैं, लेकिन उन्होंने अपने प्रतिनिधि यहाँ जरूर भेजे हैं क्योंकि इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल है और यहाँ सभी धर्म जो है आकर के एक हो जाते हैं। ज्योति जी, तो रामदेव पहुंच चुके हैं, आगे का क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा अवंती? हाँ जी ज्योति, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आरती अमूमन देखा जाए तो 6:40 के आसपास शुरू होती है। उससे पहले जो है सभी जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं लोग 94 देशों से और दूसरे लोग जो यहाँ पर हर रोज की तरह आते हैं वो लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। उससे पहले भजन कीर्तन चलता है और जो माहौल होता है ज्योति वो वाकई में बयान करने लायक नहीं होता है, वो महसूस किया जा सकता है। जैसे कि हम रोज अपने दर्शकों को यहाँ से दिखाते हैं, 7 दिनों से दिखाते आ रहे हैं, वैसा ही कुछ आज रहने वाला। लेकिन आज यहाँ पर जो दो बड़े यहाँ पहुंचे हैं तो उनके आने से कहीं ना कहीं 4 चांद और आज आरती में लग जाएंगे। ये तो वैसे ही भव्य होती है ये गंगा की जो आरती होती है, माँ गंगा का जो नजारा है यहाँ पर, जो एक आध्यात्म का महसूस यहाँ किया जाता है आकर के, एक अपनापन महसूस किया जाता है, एक दिल को सुकून मिलता है वो कहीं और नहीं मिल सकता है। और आज जो है आरती और ज्यादा भव्य रहने वाली है। कैलाश खेर यहाँ मौजूद है, बाबा रामदेव यहाँ मौजूद है और 94 देशों के प्रतिनिधि यहाँ मौजूद है, जो कि शायद इनका आज आखिरी दिन है क्योंकि आज 7 तारीख है, आज समापन हो जाएगा। कुछ लोग जो हैं वो आज ही चले जाएंगे और कुछ लोग सुबह का इंतजार करेंगे और सुबह अपने देशों को वापस लौट जाएंगे। तो ऐसे में आज की आरती जो है भव्य रहने वाली है, आखिरी दिन है आज इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल का, तो सबकी निगाहें आज की शाम पर रहेंगी, आज की आरती पर रहेंगी, भव्य आरती पर रहेंगी और उसके बाद जो कैलाश खेर का कार्यक्रम यहाँ होने वाला है उस पर भी निगाहें सबकी बनी रहेंगी। ज्योति संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे Thank you.
आ गया। Oh,
Last forever.